सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद लक्ष्मण। मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण मीना। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथ बुक का चैप्टर नंबर 1, जो कि नंबर सिस्टम। सो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी करा दिया है। सो गाइस, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, हमारा क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। सो गाइस, हमसे कहा गया है कि 3 एंड 4 के बीच में कोई भी 6 रैशनल नंबर ढूंढिए। सो गाइस, जैसा कि हमें पता है कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर होते हैं। सो हम 3 एंड 4 में लिख सकते हैं। सो गाइस, हमें डिनोमिनेटर सेम लेना होगा। So, इसके लिए हम 6+1 कर सकते हैं, जो कि होगा हमारा 7। मीन्स हम 6 हमें रैशनल नंबर ढूंढ लें तो उसमें अगर हम प्लस 1 कर देते हैं तो होगा हमारा 7। एंड गाइस, हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं कि हम कभी भी अगर हमसे ये सवाल पूछे जाते हैं कि हमें कोई भी मतलब 6 या फिर 10 लेने हैं तो हम उससे एक ज्यादा नंबर लेंगे। सो गाइस, हम इसे लिख सकते हैं। सो 3 हमारा इक्वल टू होगा 3 × 7। एंड जैसा कि हमें पता है कि किसी भी संख्या के नीचे अगर कोई संख्या नहीं है तो उसे हम 1 से डिनोट करते हैं। सो ये होगा हमारा 1 × 7, जो कि होगा हमारा 21। एंड ये होगा हमारा 7। एंड देन इसी तरीके से हम 4 का करते हैं तो 4/1 हो जाएगा हमारा, एंड 4 × 7 एंड देन 1 × 7। सो ये होगा हमारा 28/7। सो गाइस, हमारे पास कुछ संख्याएं आई हैं जो कि हमारा 21/7 है एंड दूसरा है हमारा 28/7। सो गाइस, इन दोनों संख्या नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर्स हमारे बच रहे हैं, लाइक 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7 एंड लास्ट है हमारा 27/7। सो गाइस, जैसा कि हम देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हमसे 6 रैशनल नंबर ढूंढने के लिए कहा था। सो गाइस, हमने ढूंढ लिए। सो गाइस, यही हमारा आंसर है। लेकिन गाइस, ये हमारा आंसर तो है, लेकिन अगर हमसे कहा गया है कि 6 रैशनल नंबर ढूंढने हैं, सो गाइस हम एक नहीं बल्कि 2-3 भी इसमें प्लस कर सकते हैं। जैसे कि गाइस, हम जो हमारा 6 है इसमें अगर हम 3 प्लस करते हैं तो हमारा होगा 9। सो गाइस, हम 9 को भी इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3/1 से मल्टीप्लाई 9 बोथ साइड। सो हम 4 को भी इसी से कर सकते हैं, 4/9 एंड 1/9। सो ये होगा हमारा 3×9 = 27 एंड ये होगा 9। एंड जो सेकंड नंबर होगा हमारा वो होगा 36 एंड ये होगा हमारा 9। तो इन दोनों के बीच में जो भी नंबर्स होंगे हमारे, लाइक 28/9, 29/9, 30/9, 31/9, 32/9, 33/9। सो गाइस, ये हमारे 6 हो सके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एंड आगे भी हम लिख सकते हैं 2 नंबर्स और, लेकिन गाइस हमसे 6 ही पूछा है तो इन दोनों में से हमारे आंसर करेक्ट होंगे। अगर हमें ऑप्शन में ये दिया है सो हमारा फर्स्ट, लेकिन फेयर है कि यही इसी तरीके से हम करें, क्योंकि हम एक प्लस करेंगे तभी हमारा आंसर ये करेक्ट होगा, वरना ये भी हमारा करेक्ट ही है। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड गाइस, इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको पहुंचे, एंड बगल वाले घंटी बटन को भी दबा देना। सो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।